एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मेरी, वो किचन के कुछ आइटम्स हैं जो किचन से रिलेटेड हैं, उसी पे है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना जो मैं प्रोडक्ट ख़रीद रही हूँ उसका मैं कुछ एक वीडियो बनाऊँ जो आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जो आप उसको परचेस करने जा रहे हो तो आपको पता चल जाए कि कौन सा सामान हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, और हम उसमें ना जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें देखते हैं किचन के आइटम्स, जो किचन की कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं उसमें और रेटिंग क्या आ रही है। तो मैं भी कई बार क्या होता है कि मैं भी कुछ सामान लेती हूँ तो उसमें रिव्यूज़ देखती हूँ, सबसे पहले रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ख़रीदती हूँ। बट कई सामान ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे लगते हैं कि हम उसके ना रिव्यूज़ फिर नहीं भी होते हैं तो भी हम ख़रीद लेते हैं उसे। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कुछ ख़रीदे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ ये वीडियो, एक वीडियो बना डालूँ इसमें और आपके साथ शेयर करूँ, और उसमें कुछ उसके पूरे विद एक्सपीरियंस विद डेमो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो वही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड लेट्स गो स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जो मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ तो उसमें सबसे पहले जो मेरा प्रोडक्ट में जो दिखा रही हूँ आपको, ये है वॉफल मेकर जो मैंने लिया था अभी कुछ टाइम पहले, रिसेंटली लिया है ये, रिसेंटली परचेज किया है मैंने। तो फ्रेंड्स, ये वाला वॉफल मेकर है, ये मैंने अमेजन से लिया है, रेट इसका नीचे दे दूँगी मैं, नीचे आ जाएगा रेट इसका। और इलेक्ट्रिक भी मिल रहा था और एक ही गैस वाला है, ये मैंने गैस वाला लिया है, इस टाइप से है ये। और फ्रेंड्स, इसको लिए हुए मुझे अभी 2 वीक्स ही हुए हैं और ये मैंने यूज़ करके देख भी लिया है इसे। इसमें क्या है, वैसे तो ये बहुत अच्छा है ये वॉफल मेकर, ये इस टाइप से है ये, और ऐसे है ये, यहाँ से लॉक हो जाता है ये इसका, ये यहाँ से जैसे आप बना रहे हैं इसमें तो बन तो जाता है इसमें, बट ये ऐसा होता है कि इसमें जैसे चार्ज होने के लिए आप बना रहे हैं तो उसमें फिर लेट हो जाता है, जैसे अगर आप जल्दी आप बनाना चाह रहे हैं तो इसमें वेट करना पड़ता है, जैसे और जनों को देना है आपने तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, तो ये टाइम लेता है। और एक ही इसमें एक निकल के आता है वॉफल, बनता बहुत अच्छा है इसमें, बहुत टेस्टी बनता है इसमें, जिस तरह से मार्केट में मिलता है उस टाइप से ही बनता है ये, काफ़ी अच्छा बनता है इसमें। बट क्या है इसमें, और एक प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, क्लीनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्लीनिंग की। वैसे तो जैसे आप अगर बर्तन धो रहे और उससे जो जूना टाइप का आता है उससे धोते हैं तो उससे क्लीन नहीं होता है, इसके लिए हमें चाहिए ब्रश। तो ये मैंने उसे करके देखा तो उससे नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, इसके जो होल है इसमें तो वो उससे नहीं होता है। तो हमें इसके लिए हमेशा जब भी आप यूज़ करेंगे इसको, उसके यूज़ करने के बाद इसे हमेशा इसमें ब्रश से ही इसे क्लीन करना पड़ रहा है इसको। प्रोडक्ट इज़ गुड। तो इसमें फ्रेंड्स बस ये है कि जैसे बच्चों के लिए अगर मैं बना रही हूँ तो एक जने को वेट करना पड़ता है तो इसमें जल्दी नहीं बनता, कौन से इसका यही है कि ये बहुत लेट होता है इसमें अगर मैं बनाने बैठूँ तो ये प्रॉब्लम है इसमें, बाकी इसमें अच्छा है, बाकी वैसे बहुत अच्छा है ये, और बहुत कम ऑयल लगता है इसमें, अच्छे से बन जाता है। और बाकी क्लीनिंग का थोड़ा सा मैंने जो बताया था आपको, बस क्लीनिंग की प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ रही है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है मेरा, ये भी मैंने अभी रिसेंटली लिया है, यह है कास्ट आयरन का तड़का पैन, जो ये साइज़ में भी अगर मैं आपको अगर बात करूँ तो साइज़ ये है 5 इंच इसका डायमीटर है, 5-6 इंच का, और ये बहुत हैवी है, काफ़ी हैवी है ये, और ये मैंने अमेजोन से लिया है, प्राइस इसका नीचे आ जाएगा, फिर आप प्राइस मैं नीचे डाल दूँगी, देख लीजिएगा। और ये फ्रेंड्स मैंने वैसे तो तड़के के लिए लिया है, तड़का पैन एज अ यूज़ करने के लिए लिया है, बट क्या हो रहा है कि वैसे तो ठीक है, बट क्या है कि इसको जब मैंने वॉश किया है तो ये सारा रस्ट आ रहा है इसमें रस्ट आ जा रहा है इस वाले इसमें, और ये वैसे काफ़ी कॉस्टली भी था ये, इसका जो रेट है प्राइस का उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना वर्थ नहीं लगा ये, जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ और सारा ये यहाँ से जल रहा है ये, जैसे मैं जब इसको यूज़ कर रही हूँ तो जैसे हम इसमें गैस में इसको चढ़ा रहे हैं तो यहाँ से ये हीट पकड़ रहा है ये, तो उतना मुझे वो नहीं लगा ये, वर्थ नहीं लगा ये प्रोडक्ट, तो इसके लिए तो मैं कम्प्लीटली नो हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूँ तो वो है ये कप, जो मैंने अमेजन से ये वो हैं कप प्लेट हैं, ये कप एंड सॉसर हैं जो मैंने अमेजन से परचेज़ किए थे। और ये फ्रेंड्स मुझे जब मैंने उसमें देखा था अमेजन में तो मुझे ये इतने क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये, और इनका भी प्राइस नीचे आ जाएगा। और ये मैंने देखे थे उसमें, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, इनका डिज़ाइन मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुंदर इसका डिज़ाइन लग रहा था, यूनिक लग रहा था, जितने भी उसमें कप दिए हुए थे उनसे मुझे स्टाइल इसका बहुत अच्छा लगा था, और ये सॉसर इसकी छोटी सी,
तो ये मैंने ये लिए वहाँ से। तो उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया है फ्रेंड्स, तो चाय इसमें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत ही जल्दी। तो ये जितने ही प्राइस के हैं, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू दे दूँ, बिकॉज़ ये कॉस्टली हैं। तो कहीं आप लोग अगर इसको परचेस करने जा रहे हैं, तो मैं तो इसे बिग नो ही दूँगी इसे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट है गार्लिक क्रशर। ये मैंने मंगवाया था, तो मैंने ये गार्लिक के लिए मंगाया था स्पेशली। तो वो मुझे एक जैसे सब्जी वब्जी में डालना पड़ता है, तो मैंने सोचा था एकदम से फ्रेश करके जल्दी हो जाएगा, जल्दी के लिए ये मंगवाया था मैंने। बट इतना मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा, ये अफोर्डेबल प्राइस है इसका, बट इतना वो नहीं लगा कि इसमें जल्दी मेरा काम हो रहा है। तो मैं इसका आपको एक डेमो दिखा देती हूँ किस तरह से, आप फिर आपको भी लगेगा, आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से ये काम वर्क करता है, आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए इसको। तो ये इस टाइप का है ये। ये इस तरह से जैसे मैंने ये ली गार्लिक यहाँ पे, और ये इतना ज़्यादा मुझे दबाना पड़ता है इसको करने के लिए ना, ये इतना ज़्यादा ऐसे करके, फिर ये ऐसे चिपक जाता है ये इस तरह से। और यहाँ पे ये इतना आया है, अभी मैंने कितना प्रेस किया, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया तब भी इतना आया है ये। और उसके बाद फिर अभी और जब ज़्यादा ऐसे काफ़ी प्रेस करूँ, तो तब जाके ये इतना आता है ये, मतलब काफ़ी इसको बहुत ज़्यादा इसमें इसको प्रेस करके इस तरह से ये। और अभी भी ये इस तरह से नहीं निकलेगा, और फिर या तो नाइफ से या फिर चक्कू से इसको डालना है हमें निकाल के, ये इस तरह ऐसे, ये इसमें जिस तरह से दिया हुआ ना कि ये ईजी जाता है, ये इतना ईजी नहीं होता फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको दिखाई थी वाला ये क्रशर जो है ये इस ऐसे, मतलब बहुत आप दबाएंगे इसको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तब झटके ये आपको ये मिलेगा आपको इस तरह से, ये छोटा है बस गार्लिक, छोटे छोटे गार्लिक मिलेंगे। तो इतनी देर में तो हम जितना टाइम इसमें हमें लग रहा है, जितना टाइम हम इस पर दे रहे हैं, तो इतनी देर तो हम इसमें गार्लिक लेके चॉपर में हम चॉप कर लेंगे उसे, तो उतनी जल्दी हो जाएगा, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। और अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये बर्नी। ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये बर्नी फ्रेंड्स। ये मैंने अमेजन से ली है, अभी रिसेंटली ली है ये मैंने, तो ये मैंने मंगाई थी, ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे, ये बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत क्यूट सी है। और मैंने ये किस लिए मंगाई है, ये तो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी वीडियो आएगी आगे, तो उसमें मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये इस टाइप की है ये, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी, बहुत ही प्यारी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। सिरेमिक है ये इसका। प्रोडक्ट है मेरे ये कंटेनर्स हैं, ये मैंने लिए थे, और ये चार का सेट है फ्रेंड्स। तो ये इस टाइप के हैं, वैसे तो ये सिरेमिक के हैं, ये इस टाइप के क्यूट से हैं, सिरेमिक के हैं, ये चार का सेट था ये। बट ये जब आग आए थे ये, तो मुझे मैंने सोचा नहीं था कि लिड इतना इसका लूज़ होगा, इस टाइप से लिड ऐसा निकल जाता है, बिल्कुल भी ये टाइट नहीं है लिड इसका, ये इस टाइप से है इसका लिड। मीन्स कि इसमें कोई भी अगर आप सामान रखते हैं, तो इसमें जल्दी से वो हो जाएगा, ये मॉइस्चर पकड़ लेगा सामान अगर आप रखते हैं तो। बट मैंने इस टाइप से, अभी तो मैंने इसमें जीरा रखा हुआ है इस टाइप से, और एक में सॉल्ट रखा हुआ है जो डेली यूज़ के लिए होता है, तो मैंने अभी उसके लिए रखा हुआ है। वैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है, वैसे देखने में लुक वाइज अच्छा है, और ये पूरा सिरेमिक का है, और अच्छी सी फिनिशिंग दी हुई है इसमें, अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। बट इसमें क्या है, लिड का प्रॉब्लम है इसमें, अगर इसका लिड जो है बिल्कुल भी टाइट नहीं है, जिसमें एक रबड़ लगा रहता है वो चीज़ नहीं है इसमें। प्रोडक्ट है मेरा ये क्यूट सा हनी कंटेनर, तो ये मैंने लिया था फ्रेंड्स अमेज़न से, ये भी मेरे अमेज़न का प्रोडक्ट है, और ये इतना प्यारा इतना क्यूट है ये। तो ये मैंने हनी के लिए लिया था फ्रेंड्स, हनी रखने के लिए, बट मैं इसमें हनी तो नहीं रख पा रही, एज अ डेकोरेट के लिए मैंने, एज अ डेकोरेशन का मैंने पीस बना दिया है ये, तो इसको मैं सजा लेती हूँ यहाँ पे, या कभी रूम में या किचन में सजा लेती हूँ, बहुत क्यूट सा है ये इस तरह से। बट इसमें ये इस तरह से दिया हुआ है ये। और अगर मैं हनी रखने की बात करूँ, तो हनी इसमें रखना मुझे वो नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बिकॉज इसका जो ये चीज़ है इसका, एक तो ये बहुत छोटा आया साइज़ में, जब मैंने देखा तो मैंने सोचा था ये थोड़ा बड़ा होगा, ये इतना छोटा सा है साइज़ इसका,
साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से, एक मेरी फिंगर की इतना जितना आ रहा है ये, इतना सा, इतना ही आ रहा है ये। और अगर मैं इसकी लेट की बात करूँ तो मुझे कम इसलिए कंफर्टेबल नहीं लग रहा है हनी रखने के लिए कि ये इसका जो ये हेड टॉप वाला जो इसे हम उठाते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है जो हाथ में आता है। तो ये जो क्या है, ये इस तरह की इसकी ये शेप है तो ये स्लिप हो जाता है, ये हाथ से ये स्लिप हो जा रहा है ये, इसलिए मैंने इसमें हनी नहीं रखा। तो अगर आप मंगाने के सोच रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि एक बार आप ज़रूर रिव्यूज़ या देख लीजिएगा इसको मंगाने से पहले, कि आपके इसमें पैसे वो ना हो, वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये चौमिर वाला लैडर, मैंने जो मंगवाया था ये अमेज़न से, और ये है स्टेनलेस स्टील का है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छा है। जैसे हमें प्रॉब्लम होती है जब हम चाउमीन बनाते हैं तो और किसी से अच्छे से वो मिक्स नहीं हो पाते हैं चाउमीन, बट इससे बड़ी अच्छे से हो जाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वर्थ है ये। हम चाउमीन मिक्स करते हैं तो हमारी ये चाउमीन मिक्स नहीं हो पाती, हम दूसरे उससे करते हैं, तो लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इससे अच्छे से चाउमीन मिक्स हो जाती है, और ये वर्थ बाइंग है ये। और ये इस पूरा स्टेनलेस स्टील का है, इस तरह से है ये। और फ्रेंड्स अब ये वाला प्रोडक्ट है मेरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ये है सोप डिस्पेंसर, और ये मैंने अमेज़न से लिया है और आइकिया का है ये प्रोडक्ट। और मेरे फ्रेंड्स ये पूरी ये ग्लास जार है, ये ग्लास बॉटल है, ये ग्लास में है ये, और ये इतनी क्यूट है, ये बॉटल बहुत ही क्यूट है। और इस तरह से ये तीन है, ये इस तरह से ये तीन का सेट आया हुआ है, और एक भी मैंने डिश वॉशर रख दिया है इसमें, और एक भी मैंने हैंड वॉश रखा हुआ है अपना इस तरह से। और ये पूरी इतना बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये मुझे, तो ये मैंने ये ऑर्डर किए थे, और इसमें कम अच्छा और अच्छे से इसमें निकल भी जाता है। और फ्रेंड्स अगर मैं इसके यूजेस की बात करूँ तो ये बहुत ही इजीली पंप आउट हो जाता है ये इस तरह से। अब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है ये, और मैं इसके लिए मेरा बिग यस है इस प्रोडक्ट के लिए, और टोटली ये वर्थ प्रोडक्ट है ये, एंड मैं इसको 100% रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसको परचेस करना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है मेरे पेपर एंड सॉल्ट डिस्पेंसर, और ये हैं चुंबक के। तो ये अमेज़न से मंगाया था, बट वहाँ पे जो चुंबक का होता है तो वहाँ से ये मैंने लिए हैं चुंबक से। और ये फ्रेंड्स जो ये हैं प्रोडक्ट ये वाला सॉल्ट एंड पेपर का, और ये मैंने जब लिया था तो मैंने सॉल्ट और पेपर रखने के लिए लिया था, बट इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें एक में तीन होल हैं ऊपर और एक में दो होल हैं इस तरह से, और ये यहाँ से इसका ये इसमें डालने का ये दिया हुआ है, इसमें सॉल्ट एंड पेपर खाली करने के लिए दिया हुआ है आपको अगर इसमें डालना है। बट इसमें डालने के बाद इसमें बहुत जल्दी आप इसे ज़्यादा देर नहीं रख सकते, बहुत जल्दी मॉइस्चर आ रहा है इसके अंदर, तो मैं इसलिए इसको खाली आप अगर एज अ डेकोरेटिव पीस रखना चाहें तो इसे रख सकते हैं, बहुत क्यूट लगेंगे। बट ये सॉल्ट एंड पेपर के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको लें, और उसके लिए कुछ और आप जैसे कोई उसमें जो ढक्कन बंद होता है उसका वो आप ले लें, वो बेटर रहेगा। और ये इसमें ईजिली इस जो टू वाला है ना जिसमें दो होल दिए हुए उसमें तो निकलता भी नहीं है ठीक से, इसका फ्लो फिर भी ठीक है, जो ये तीन इसमें होल दिए हुए ये फिर भी ठीक से आ जाता है इसमें, बट इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आता इस वाले में। तो ये देखने में बहुत क्यूट है, बट इसमें जो रखा हुआ सामान है इसमें सॉल्ट एंड पेपर है उसके लिए यूज़लेस है ये। तो डेकोरेटिव एज अ डेकोरेटिव के लिए तो मैं 100% यस बोलूँगी, और बाकी अगर आपको सॉल्ट एंड पेपर के लिए चाहिए तो नो है मेरी तरफ से। सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी आपको। So till then, bye bye, take care, thanks for watching.